पहाड़ की वादियों में घिरा हुआ एक ऐसा छोटा सा शहर जो ना केवल फेमस है यहाँ के साइट सीइंग के लिए बट काफ़ी फेमस है यहाँ के खाने पीने के लिए भी। सो गाइस, दिस इज़ मी तमन्ना एंड वेलकमिंग यू टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं कुन्नूर। सो ऊटी टू कुन्नूर का जो सफ़र है मैंने तय किया है 1 घंटे में वाया टॉय ट्रेन, जो कि काफ़ी फेमस जर्नी है यहाँ का। जगह देख लीजिए, बेहद खूबसूरत है, चारों ओर पहाड़ी हैं, चाय के बगीचे हैं। सितंबर के महीने में आए हैं इसीलिए कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए यहाँ का जो टेम्परेचर है मिनिमम आपको एक जैकेट ज़रूर लगेगा। आज का वेदर काफ़ी सुंदर है एंड जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द सिटी, इट लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी कलरफुल। तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों का 9:15 का सुबह का मतलब टॉय ट्रेन था, 10:15, 10:20 तक हम लोगों को कुन्नूर पहुंचा दिया था। फिर हम लोगों ने वहां से एक ऑटो करके यहां पे साइट सीइंग देखने के लिए अपना जो जर्नी है वो शुरू कर दिया है। आप लोग अगर चाहें बस या कार से भी ये दूरी तय कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोग टॉय ट्रेन एक बार भी हो तो ज़रूर अवेल करें। यहाँ का टॉय ट्रेन का जो जर्नी है काफ़ी खूबसूरत है, मेरे को काफ़ी पर्सनली पसंद आया है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले यहाँ का चाय जो है काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आपको चाय फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, एसेंशियल ऑयल फैक्ट्री देखने को मिल जाएंगी। चाय में बेहद वैरायटीज़ हैं जैसे कि वाइट टी, ग्रीन टी, मसाला टी एक्सेट्रा। चॉकलेट फैक्ट्री से ज़रूर चॉकलेट लीजिए, हैंडमेड चॉकलेट, एंड लुक एट मी, आई एम सो एक्साइटेड ऑन माय वे। एंड जैसे मैं बता रही थी, चॉकलेट भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत वैरायटी के चॉकलेट यहाँ पे मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके हेल्थ के लिए, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा यहाँ का स्ट्रॉबेरी फार्म, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जैम, जेली, वाइन, डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। They are giving some free samples of tea. This is the green tea basically. Nice, very unique taste. What is this one, sir? Thoda kadam kar. Ye wale aapka masala tea. Masala tea. Yes, ma'am. This is very refreshing, very different also taste. I tried this tea basically in the Ooty also. I have tried this, but here they are giving me 3 types of tea basically. Chocolate tea basically I'm having after a long time. Very different taste in this cold weather. In Kunur it's very cold. It's really refreshing to have. But same maine ke ek time pe nikal white tea cup. But in terms of benefits bro, what is ye to aapka starting heart problem, dead cancer hai na, un log peene wale hai. Ye aapka sugar, BP, weight loss uske liye peena. यस सर, ये देखिए अंदर दिखे ना, यूकलिप्टस आ रही है। इसका क्वालिटी दिखा के देखिए, बाहर जाके लेना था इसमें से वही टल टर्पेंटाइन सिरप को मिला के देगा, ऐसा मिलाना तो रुमाल पूरा चल जाएगा, ओरिजिनल तेल ऑयल तो चलेगा, रुमाल नहीं चलते, ऐसा भी चेक करके लेना। हाँ बता दे, एक बूंद लेना रहता, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। This is what tea? This is tea tree tree oil? Oil, madam. Oh. This for skin, this is tea tree. যে ওয়াইন আছে মানে নন অ্যালকোহলটার দাম আছে 990 টাকা আর যেটা ওয়াইন আছে 15% এটার দাম আছে 1300 টাকা 1300 আর এটার দাম আছে আপনি 20% অ্যালকোহল আছে এটার দাম হইছে আপনি 2000 টাকা আমাদের জিঞ্জার ই আছে ওয়াইন আছে এটার দাম হইছে 1050 টাকা 1000 আর যেটা জ্যাম স্ট্রবেরি জ্যামটা এটার দাম হইছে আপনার 250 টাকা 200 গ্রাম আর যেটা পাইনাপল জ্যাম ওটার দাম হইছে 160 টাকা 200 গ্রাম এন্ড फ्रेश स्ट्रॉबेरी आपको आधा केजी जो दिन आपने 300 टका दी तो हाफ केजी 300 हाँ 300 ओके ओके ठीक है थैंक यू थैंक यू
वाइन है, जैम है, जेली है, क्रीम्स वगैरह भी है, स्ट्रॉबेरी का मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे कुछ फेस प्रोडक्ट्स भी है। आई हैव जस्ट टेस्टेड द वाइन, इट इज रियली गुड। मैम जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। हाँ सर, जैम टेस्ट करना है सर। जैम इज ऑल्सो रियली गुड, वेरी नाइस, टोटली रेड कलर। आई हैव टेकन अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, डेफिनेटली जस्ट फॉर टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल। ऑरेंज नहीं, नहीं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल वन इज ऑल्सो गुड। So guys, you can see I am in this restaurant cum hotel basically. They told me that they had 6 rooms जहाँ पे हम लोग stay कर सकते हैं, और room जो tariff है वो 4000 से starting है। अगर आप लोग कुन्नूर आ रहे हैं, इस type की property में ज़रूर रुक सकते हैं। काफ़ी सुंदर सा property, बहुत पुराना property है, 100+ years इसका एज है, ये लोग ऐसा ही बोल रहे थे। बाहर में भी sitting arrangement है, और ये जो मतलब grasses है बहुत well maintained है, फ्लावर्स भी हैं, यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर। हम लोग तो यहाँ पे अपना लंच करने के लिए आए थे, बट जो लोग मतलब यहाँ पे रह रहे हैं और भी मज़ा कर रहे होंगे। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी नाइस, कुन्नूर में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे देखिए कितने टाइप के फ्लावर्स हैं। आई नो दिस रेड कलर फ्लावर इज़ कॉल्ड सेल्विया, ये जो दूसरे टाइप का जो फ्लावर है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। देयर आर लॉट ऑफ सच प्लांट्स इन हियर, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, इट्स वेरी काम। ओके, फुटफॉल यहाँ पे काफ़ी कम है, काफ़ी शांत टाइप का जगह है, बहुत ही हल्का बारिश हो रहा है, जस्ट ड्रिजलिंग, आई एम एंजॉइंग इट। सो गाइज, नाउ यू नो वॉट यू हैव टू डू, प्लीज़ चेक आउट द इंटीरियर, चेक आउट द मेनू, एंड इन द मीन टाइम अलाउ मी टू ऑर्डर सम गुड फूड। आफ्टर दैट आई विल एंजॉय द फूड एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सो गाइज, पहले मैंने ऑर्डर कर लिया है क्रीमी मशरूम सूप, जो कि काफ़ी हॉट है एंड इस टाइप के वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मुझे ऐसा लगता है। बट खाने के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ,
यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो लोग आपको पूछते हैं कि नॉर्मल वाटर चाहिए या फिर लिक्विड वाटर चाहिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिक्विड वाटर चाहिए। ऊटी में भी ये चीज़ मैंने देखा है, दिस इज़ रियली ग्रेट। इस टाइप के ठंडे मौसम में लिक्विड वाटर अगर आपको मिलता रहता है तो वो बेहद ही अच्छा है। मेरे को, मैंने दूसरे भी हिल स्टेशन में गई हुई हूँ, बट इस टाइप का सर्विस नहीं मिलता है। तो इसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है फिंगर चिप्स, साथ में दिया है फ्रेंच फ्राइज। चिप्स जो है काफ़ी गर्म है, काफ़ी क्रिस्पी है, इसका साथ सॉस और ये जो पराठो है इन लोगों ने दिया है वेजेस, काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कौन सा फिश है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड। और मैं आपको दिखा दूँगी, ये देखिए फ़िश का जो फिलेट है काफ़ी थिक है बेसिकली, और सूप भी काफ़ी क्रीमी था, मैंने बेहद इन्जॉय किया है। अभी बारी है मेन कोर्स का, और मेन कोर्स में हम लोगों ने मंगाया है शेपर्ड्स पाई। शेपर्ड्स पाई आप लोगों को पता है आइदर मीट या बीफ के बेस में बनाया जाता है। दिस इज़ बेसिकली लैम्ब, मिंस्ड लैम्ब के ऊपर पोटैटो का, मैश पोटैटो का एक बेस है, चीज़ का एक बेस है, फ्रेशली बेक्ड है। साथ में इन लोगों ने जो बन या ब्रेड दिया है वो भी फ्रेशली बेक्ड है, पाइपिंग हॉट है। आई एम रियली एन्जॉइंग इट, बेहद ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके इंडियन वर्जन नहीं बना दिया है इन लोगों ने, बेहद सटल टेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन हैं, पिज़्ज़ाज हैं, पास्ताज हैं, इंडियन भी है, बट मैंने सोचा कि मैं कॉन्टिनेंटल ट्राई किया है, उस बारे में पहले आप लोगों को बता दूँ। फाइनली डिज़र्ट में मैंने मंगाया है पिनाकोटा। ये एक क्रीम है बेसिकली, थिक क्रीम जो कि जिलेटिन से थिकन किया जाता है, और इसके अंदर में कुछ फ्रूट्स भी दिए गए हैं जिसका चंक्स भी मेरे को मिला। दिस इज़ चिल्ड बट आई रियली लाइक्ड इट। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो लाइक एप्पल पाई एंड ऑल, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। मेरे को यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है, खाना तो मैंने इन्जॉय किया ही है, साथ में बेहद इन्जॉय किया है यहाँ का व्यू, बेहद काम है आपका, घंटों उधर घंटों आप बिता सकते हैं इस रेस्टोरेंट में। पहाड़ी के नीचे ही मतलब बना हुआ है ये रेस्टोरेंट, सुंदर सा लॉन है, देखते देखते बेहद टाइम गुजर जाएगा। अब बारी आ जाता है रिटर्न जाने का टू ऊटी, तो यहाँ पे ही ख़त्म होता है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर वो लोग कुन्नूर आ रहे हैं उनको भी एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा यहाँ के खाने पीने के बारे में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।